SANDHAN, All Gujarat Integrated Classroom. Satellite na madhyam thi jodti kadi, etle SANDHAN. Namaskar, मैं डॉक्टर सीमा सिंह संधान की तरफ से अपने सभी सुनने वाले श्रोतागण और देखने वालों का स्वागत करती हूँ. जैसा आपको पता है कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिसके अंदर हम स्कूल बजट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है पहले हमारे लिए कि स्कूल बजट जो आज हमारा आज का टॉपिक है, ये किस चीज़ से लिंक करता है और हमें आज इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं आपको एक पावर पॉइंट के थ्रू समझाना चाहूँगी. तो आप लोग सब पहली स्लाइड देखिए, जिसमें कि हम ये लिख के आपको बताते हैं कि एक जो स्कूल है, जिसे हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरे स्कूल का, वो किन बातों पर होता है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कूल बजट, यानी कि स्कूल का जो बजट होता है. बजट मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ बजट, यू नो. सो बजट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस, कि जो फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन हैं स्कूल के या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के, जहाँ पर फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर कितना खर्च होना चाहिए, कितनी बचत होनी चाहिए, खर्च को किस तरीके से हमें बैलेंस करना है, उसे हम कहते हैं बजट. अब नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्कूल बजट, यानी कि जब हम स्कूल के करिकुलम को देखते हैं, जब हम स्कूल की फंक्शनिंग देखते हैं, तो स्कूल की फंक्शनिंग में जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे टीचर्स की सैलरी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी, या फिर स्कूल के लिए नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या लैब की मेंटेनेंस या फैन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी स्कूल में यूज़ होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, एवरीथिंग, उनकी पेमेंट से लेके मेंटेनेंस कम्स अंडर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. और ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी चीज़ें बजट से रिलेटेड हैं. तो वी ऑलवेज से कि जब हम स्कूल बजट की बात करते हैं, तो जो की रोल होता है, दैट इज़ डन बाय द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट, हु लुक्स इनटू द एक्सपेंडिचर. जैसा आप सब स्लाइड पर देख रहे हैं, स्लाइड पर इट इज़ क्लियरली रिटन कि अ गुड प्रिंसिपल मस्ट फर्स्ट पॉसेसेस द बेसिक स्किल्स नेसेसरी टू कीप अ स्कूल रनिंग. दैट इज़ अ प्रिंसिपल मस्ट बी वेल ग्राउंडेड इन बजटिंग एंड अदर नट्स एंड बोल्ट्स प्रोसेस एट द हार्ट ऑफ फंक्शनिंग स्कूल. ये जो आपने अभी लाइन सुनी, ये कही गई है केंट पीटरसन द्वारा. लेकिन इसका क्या मतलब है? इसे हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कूल का, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो चलाने वाले हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल के हाथ में ये होता है कि हाउ दे मैनेज स्कूल बजट. कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो स्कूल बजट है, स्कूल बजट कितना पैसा या कितनी इकोनॉमिक कंडीशन स्कूल के पास है और उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए. यानी कि जब हम स्कूल बजट की बात करते हैं, तो सब एक उदाहरण हम ले सकते हैं. जैसे कि अगर एक रुपये है, तो एक रुपये का खर्च 25 पैसा 75 पैसा, या फिर हम पूरा एक रुपये एक जगह कर सकते हैं. ये जो एक रुपये का हम छोटा छोटा डिवीज़न करेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमने पूरे साल की प्लानिंग की है, स्कूल बजट के लिए प्लानिंग की है. दैट इज़ अ फर्स्ट, वी कैन से, एक छोटी सी बात है जिसे जिस तरीके से हम स्कूल बजट को समझ सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि स्कूल बजट दो तरह का होता है. मीन्स स्कूल को भी ग्रांट मिलती है, और वो ग्रांट कई स्कूल्स जो कि प्राइवेट रन होते हैं या कई स्कूल गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं, तो कई तरह के ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर स्कूल्स को मिलती है, और जो कि उस खर्चों को स्कूल डिवाइड करते हैं कि किस तरीके का खर्चा उससे किया जा सकता है, जो स्कूल के वेलफेयर में हो, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हो, एंड स्कूल की जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं या स्कूल के प्रोग्रेस के लिए या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए हमें जिस भी तरीके का फ़ंड चाहिए स्कूल की तरफ से, वो हम मैनेजमेंट से ले सकते हैं. लेकिन ये तभी डिपेंड करता है यदि जो प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट हैं, दे आर क्लियर विद देयर बजट कि हाँ, अगर हमें एक साल का बजट इतना बना है, तो जो भी डेवलपमेंट होगी, दैट हैज़ टू बी अंडर दैट बजट ओनली. ओके, हम वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल सी देयर कि ये 2000-2001 में हमने एक स्कूल फंडिंग फैक्ट निकाला है. दिस इज़ बेस्ड ऑन द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड थ्रू नेट.
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 56% स्टेट एड टू डिस्ट्रिक्ट वॉज अंडर रिस्ट्रिक्टेड एज जर्नल एड. देन वी हैव 15% ऑफ स्टेट एड वॉज डेजिग्नेटेड फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड 29% ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल प्रोजेक्ट हायर लर्निंग स्टैंडर्ड. ये जो आपने अभी देखा स्क्रीन पर, दिस इज़ अ फ्रैक्शन जो हमने आपको बताया, छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया कि इस तरीके से गवर्नमेंट दे गिव फंड टू द स्कूल्स कि इस तरीके का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ अमाउंट हमें ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना है, कुछ अमाउंट हमें न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करने हैं, कुछ अमाउंट हमें यू नो टू फैसिलिटेट द पुअर चिल्ड्रन. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टू फैसिलिटेट द पुअर चिल्ड्रन विच कम्स अंडर स्कूल बजट. कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिड डे मील फैसिलिटी चलती है. ओके, मिड डे मील फैसिलिटी मतलब दोपहर के समय का भोजन. तो दोपहर के समय का भोजन के लिए जो खर्च है, रसोई का खर्च या जो भी वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और कुछ जो है कि हमें कितना खाने पीने की चीज़ों पर इस्तेमाल होता है, वो एक अलग बजट होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो पूरा जो बजट है पूरा स्कूल के करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल का जो बजट है वो एक हो. हर स्कूल का बजट अलग हो सकता है उस स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यदि स्कूल गवर्नमेंट एडेड है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, यदि स्कूल सेल्फ फाइनेंस है तो वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. तो जो बजट है वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में वेरी कर सकता है. आप दूसरी स्लाइड पर देखेंगे कि हमने लिखा है कि व्हाट इज़ द यू नो पर्पस ऑफ बजटरी प्रैक्टिस. क्या ज़रूरत है हमें बजट बनाने की, या क्या ज़रूरत है कि हमें इकोनॉमिकली ये सोचना पड़े कि हम इतना खर्च इस जगह पर कर सकते हैं या इस वक्त हमें इतनी ही ज़रूरत है. इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि वेन एवर वी आर रनिंग द इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशन इज़ हैविंग मैनी लुक आफ्टर्स. जैसे हम बोलते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन में हमारी पहली चीज़ आती है प्लानिंग. ओके, तो व्हाट प्लानिंग नीड्स. ओके, प्लानिंग को क्या ज़रूरत है, हमें वो देखना है कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या है. सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम प्लान करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्कूल जो पहली बार अपनी लाइब्रेरी शुरू कर रहा है, या कोई भी एक स्कूल जहाँ पर कंप्यूटर हब की ज़रूरत है या कंप्यूटर रूम की ज़रूरत है, या किसी स्कूल में हमने साइंस लैब शुरू किए, तो क्या चीज़ें वो हमें ज़रूरत में आती हैं. जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कि कंप्यूटर्स, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग चाहिए, कंप्यूटर टेबल्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए एंड ऑल द हार्डवेयर पार्ट हमें चाहिए. अब इसके लिए स्कूल एक प्लान ये कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा होगा, यानी कि कितना पैसा हमें इन चीज़ों की खरीदारी में लगेगा, और वो जो है उसे बैलेंस करने के लिए कि स्कूल के पास कितना फंड है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितनी उसकी ज़रूरत है स्कूल को, और उसके बिना वेदर बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम अपने बजट में तैयार कर सकते हैं कि नहीं. तो हर स्कूल को एवरी ईयर दे हैव टू प्लान अ बजट फॉर दैट एंड अकॉर्डिंगली द स्कूल प्रोग्रेस. जो प्लानिंग हमने की है वो प्लानिंग तभी आगे चल सकती है जब हम उसे पहले से ही ये सोच के चलते हैं कि हमें इतना खर्च करना है और हमारा ये खर्च पूरी तरीके से यूटिलाइज हो. आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पर्पस ऑफ बजटरी प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले लिया है प्रोजेक्ट्स द एजुकेशनल प्लान ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इन इन्फॉर्म्स द कम्युनिटी. दिस मीन्स कि वेन एवर वी आर मेकिंग एनी बजटरी प्रैक्टिस द फर्स्ट थिंग कम्स इज कि वॉट इज़ द यूटिलिटी ऑफ इट. द फर्स्ट थिंग इज इट प्रेजेंट द सोर्सेज ऑफ फंडिंग, anticipates expenditure and allocation plan for disbursing the fund. This means what? कितना expenditure होना चाहिए, fund कहाँ से आएगा उस expenditure के लिए, और वो expenditure करने के बाद उसकी utility क्या है. उसका जो हमने action plan बनाया कि अगर मैंने computer hub मुझे school में start करना है और वो start करने के लिए कितना खर्च होगा, उतना हमने बजट बनाया, हमने वो मनी सेंशन की, उसके बाद हमने वो कंप्यूटर हब स्टार्ट किया. नाउ इट शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज और फिर उसकी मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में आगे चल के जो खर्चा आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस, एवरीथिंग हैज़ टू बी मॉनिटर अंडर दिस. दिस इज़ द पर्पस ऑफ बजटरी प्लान. आप स्क्रीन पर देखेंगे गाइड फॉर इवैल्यूएटिंग अ ईयर प्रोग्राम. ये जनरली हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट विच कम्स अंडर बजटरी प्रैक्टिस वेयर वी आर गाइडिंग विच वी कैन इवैल्यूएट अ ईयर. पूरे साल की प्लानिंग वी कैन डू विद दिस बजटरी प्रोग्राम. इवन बजटरी प्रैक्टिस से क्या होता है, वी आर मोर सिस्टमैटिक, वी आर प्लान्ड,
मोर सिस्टमैटिक मतलब कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका हमारे पास पूरा लेखा जोखा है, हमने कितना एक्सपेंड कितना खर्च किया या हमारी क्या प्लानिंग है, या यदि कोई खर्चा ऐसा है जो स्कूल की ज़रूरतों को के लिए ज़रूरी है तो हम उसे ये 6 महीने बाद या 8 महीने बाद भी कर सकते हैं और उसकी जो भी प्लानिंग है एंड इट इज़ यू नो वेरी इसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है कि एक बहुत सिस्टमैटिक फंक्शन से कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, पूरा पूरा कंट्रोल होता है एंड एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारे जितना हम खर्च करते हैं तो हमारे फंड और हमारे जो स्कूल का बजट है उसको बैलेंस रखता है, यानी कि कभी भी हमें स्कैर्सिटी यानी कि अभाव की कमी महसूस नहीं होती है, दोनों चीज़ हम एक लेवल में लेके कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि फ्रेम्स द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट फेडरल एंड लोकल सपोर्ट फॉर एजुकेशन, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो भी लिंक्स हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं वो बजटरी प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकती हैं। जब भी हम बजट प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का बजट प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि बजट ज़रूरी क्यों है, Why the budget is required? तो आप ये स्लाइड देखिए, Determining the needs of the educational program. सबसे पहले ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं ये पूरा प्रोग्राम इस स्लाइड के ऊपर निर्भर होता है कि आपने बजट प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है। इसका पहला कारण ये है कि इट डिटरमाइंस द नीड ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। कोई भी स्कूल में जो एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो ये बजट प्लानिंग से सॉल्व होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द स्कूल, किसी भी स्कूल के गोल्स क्या हैं। पहला गोल हर स्कूल का यही होगा टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एक सुलझी हुई पद्धति के हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन मतलब विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, जिसके अंदर की स्टूडेंट कुछ सीख रहा है वो चीज़ उसको डिटरमाइन करने के लिए वी नीड दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ स्कूल। मान लीजिए कोई भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जिस तरीके का खर्च हो, या क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम स्कूल के अंदर कोई नया रेनोवेशन चाहते हैं, या क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई न्यू टीचिंग मैथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, या क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमारे स्कूल के पास उतना बजट है कि वो उतना पैसा खर्च कर सके। सो दिस इज़ व्हाट, अगर हम बजट प्लान करके चलते हैं तो हम स्कूल के गोल को क्लियरली समझ सकते हैं। सेकंड थिंग, व्हाट सर्विसेज ऑफ द स्कूल नीड टू बी इंक्रीज। थर्ड, व्हाट इज स्टेट एंड फेडरल इशू दिस ईयर। एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन सैलरी नीड्स। व्हाट एल्स हियर इज द क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बजट प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। आप देखेंगे स्क्रीन पर कि बजट प्लानिंग के अंदर और क्या क्या है, सैलरी शेड्यूल एंड बेनिफिट्स। जब हम बजट प्लान करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनी मैनेजमेंट विल प्लान द बजट एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड दैट हाउ मच सैलरी दे हैव टू पे टू देयर एम्प्लॉय। सपोज इन अ इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट इज इन नीड ऑफ 20 टीचर्स एंड 2 प्यून्स, द मैनेजमेंट कैन प्लान अ बजट कि 20 टीचर को हाउ मच द मैनेजमेंट इज गोइंग टू पे सो दैट सैलरी शेड्यूल एंड हाउ मच दे आर गोइंग टू पे टू द प्यून एंड हाउ द सैलरी एंड एक्सपेंडिचर कैन बी अकोमोडेटेड, वेदर इट कैन बी अकोमोडेटेड थ्रू द फी और थ्रू द फंड और थ्रू द से बाय द बजट प्लानिंग थ्रू द ग्रांट विच द स्कूल इज गेटिंग। एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान अंडर द बजट। Second comes our statistical summary of data and enrollment. Whatever हम जब स्कूल में मैनेजमेंट के अंदर whatever the planning is done, that has to be, there is a statistical figure for that, how much we need and how much is needed. Then we have average daily attendance, then pupil teacher ratio, then we have sectioning of HS courses, that is higher secondary courses, state and provisions, insurance, transportation needs, retirement and social security needs. This is the general requirement of the employee or general requirements of the people, those who are associated with the institution. That is why institution has to plan their budget in this way. Now this slide is very important. You can see that what are the three things which are included in budget planning. First is budget workshops. Here
It is, you know, a get together of advisory board of directors and those who are employed in the school. They sit together, they work over the expenditure, they work over the funds, they work over the budget, and then they plan for the whole year. Second comes budget hearing. In the budget hearing, it is the same, you know, every time it is the finance of the school is calculated. And under this, we see that whether the expenditure is higher than the income or the income is more and the expenditure is less. Everything has to be balanced and where the money has to be utilized. So, all this is planned under budget workshop, budget hearing and then budget vote. We can see this slide. This is very important slide. We will be discussing about receiving funds. Okay. What do you mean by receiving funds here? First of all, we say that if we look into the first point, that responsibility of local authority through a system of taxation, debt collection and legal resources. Second point says that funds are transmitted to a school district for use of community approval. And third point says that the budget became effective on the first day of the new fiscal period. This all include the expenditure which is done by the school through the funds which is granted to the school either by the government or the fund which is, you know, agar self-finance school hai, through the fund which is given by the management. Under this, the expenditure which we plan, under this the planning, the whole session is planned, and these planning according to the whole session planning, the expenditure is done, comes under this receiving funds. When we receive the fund, how it is spent? These funds are spent on two bases. We can see budget adoption leads to posting of line items. Second will be the purpose of the budget is not to save the money but to spend it wisely and expenditiously. This means what? Whenever we are planning a budget, okay, we listen very carefully. Whenever we are planning a budget ka what is the utility? The why we need it so that we can plan our economy in such a way that the whole money, the whole thing is used for the welfare of student, and this budget and this money is useful for the growth of the school. Here with the help of budget planning, we can use the money very economically and wisely. Yani ki hum bahut samajhdari se aur bahut acche tarike se jo hamara paisa hai wo school ke development mein, student ke development mein kharch kar sakte hain. Iska matlab ye nahi hai ki budget banane ka matlab hai ki hum paisa bacha rahe hain. Budget banane ka matlab ye hai yahan par ki hum us paise ko बहुत समझदारी से, बहुत इकोनॉमिकली और बहुत वाइसली स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं. स्पेंडिंग फंड आल्सो इंक्लूड्स परचेज ऑर्डर फॉर्म, रिक्वेस्ट और रिक्वेशन फॉर्म फॉर ऑर्डरिंग, डिसीजन वेयर फंड्स कैन बी ड्रॉन एंड अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल और सीईओ, दैट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. Mailing of PO, order completed, invoice receipts and approved by designee, payment fulfilled by check, PO invoice, copy of check filed together. This means that all together this budget, okay, we have planned and we have looked into the expenditure, we have looked into the requirement of the school, we have looked into the money which we have totally spent, we have a data for that, we have a calculative money and we have all the calculation for that. And anyone who is looking after the finance of the school is responsible for answering. Okay, you can see this slide. Evaluating the budget includes, you all can listen very carefully, that evaluating a budget includes superintendent responsible for ensuring that the budget is well conceived summary of the district's education plan. Second, it must be able to demonstrate that it is a constructed around specific purposes, objectives and guidelines that support the mission of the school. And last is, it must keep the BOE informed about the operation and effectiveness of the budget. This is the aim. We have a timeline.
timeline is not important here to discuss. This is just a data where we say that while planning the budget, the school divides its work and expenditure according to the whole year. Okay, say in the month of Jan, July, August or September, what all they have planned, what all there was the expenditure of the school is mentioned here. Now look into this slide. Building level budget matters. What are the things which when we are building a level budget, what it matters? First, look into the slide. Principal provides data to the superintendent. Okay, all the data. Jisme kya aayega? Hamare paas student enrollment, then pupil teacher ratio, then the course of enrollment, then the projection for class size. And second, the principal chief education officer must supervise and maintain the line item expenditure which has assigned to his or her building. Every time, whenever it is the look after of the principal, ki whenever they are passing any budget or whenever they are giving fund for expenditure, it has to be monitored where it is used, whether it is used economically, wisely, and whether it is beneficial for the school and for the student, and this expenditure is done in a very wise way. Planning program and budgeting system, in short we will call as PPBS here, and it's a cycle of planning which include following points. First is establishing goals. Second is determining the financial cost of alternatives. Third is evaluating results. Fourth is improving the objectives. Fifth is improving the alternative plans to reach the objectives. Now we'll discuss about budgeting system for education. Okay. Under this, we will include the following points. Look into this slide. Zero-based budgeting, jisko short mein hum bolenge, ZBBC, in 1970s, construction of a new budget each year from a zero base. Every program, it will be received, it will be continued, funding must be justified during each budget development. A program provides a defense of its budget request that makes no reference to the level of previous appropriations. Bottom up organization of the budget. Iska discussion hum detail mein karenge hamari last two slides mein. To aap next slide dekhenge. Budgeting system for education needs strategic planning and second, total quality management. Whatever planning jo hum karte hain, that should be, you know, strategic planning, concrete planning, and total quality management should be there, ki whatever is the expenditure jo bhi hai, hamara budget plan hota hai, hamari requirement hai, hamare expenditure hai, tino ek dusre se match ho. Aisa na ho ki hamara jo requirement hai wo us requirement ke hisab se humne jo budget banaya usme humne fund bahut kam rakhe. To everything has to be managed very minutely. And जब हम budget administration करते हैं तो उसमें कुछ issues सामने आते हैं, जिसमें पहली चीज़ होती है auditing. Auditing के अंदर क्या आएगा, आप slide पर देखिए कि auditing के अंदर क्या आएगा. The procedure for verifying financial operations of a school district. Second will come independent examiners. Third, internal audits qualified the personnel employed by the district. State audits, qualified examiners outside of district personnel. This is all we have discussed in school budget today. And in case you have any query and in case you have anything to read in detail, many books are available in the market. Basically, they are based on school budget, school organization ke agar hum books purchase karte hain, तो हमें वो मिल जाएगा. ये टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे और इसके बाद हम जर्नली आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो हमारा लेक्चर था, अगर उसके हम डिटेल में जाते हैं तो मैं आपको इन सारे पूरे जो स्लाइड्स दिखाई इसके कंक्लूजन आपको ये समझाना चाहती हूँ कि दो तीन पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बार बार चर्चा करने में आता है कि बजट की ज़रूरत क्या है. तो एक बार फिर हम जो कंक्लूजन में आते हैं तो इसको डिस्कस करते हैं
कि बजट किसी भी स्कूल का सबसे पहले ज़रूरी इसलिए होता है कि एनी स्कूल रन्स अंडर अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन and whenever a school has to plan for its administration, the first thing school has to plan its budget. Why we need the budget? क्योंकि budget बनाने का सबसे पहला कारण यही है कि it's a systematic way of working. Why? Because जब हम budget बनाते हैं तो हमारे पास जो है एक पूरा data है, हमारे पास हमारे fund का data है, हमने कितना expenditure किया, कितनी हमारी requirement थी, या अगर हमारे पास आज fund किसी भी कारण से कम है तो वो हम हमारा जो रिक्वायरमेंट है या हमें जितना खर्च करना है या हमें फ्यूचर में स्कूल के लिए और डेवलपमेंट के लिए और जितनी ज़रूरतें हैं उसे हम प्लान आउट कर सकते हैं कि यदि हमने ये काम 6 महीने बाद इस तरीके के सोर्सेस अगर हमारे पास एक्सपेंड मनी है तो वो फंड हम दूसरे तरीके से वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ मेकिंग बजट. बजट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी वेरी क्लियर विद द फंड. ओके, कि जो फंड है अगर वो ग्रांटेड स्कूल है या नॉन ग्रांटेड स्कूल है तो कितनी ग्रांट गवर्नमेंट से मिल रही है और उस गवर्नमेंट की ग्रांट का हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, या अगर सेल्फ फाइनेंस स्कूल है तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल के डेवलपमेंट में जो खर्च आता है वो हमें प्लानिंग ऑफ बजट के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं. और उस प्लानिंग ऑफ बजट के अंदर कुछ जो दो चीज़ हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि हमारा खर्च और हमारी आवक दोनों के बीच का जो अंतर है दैट हैज़ टू बी प्लान्ड इन द बजट. सेकेंडली हम ये कह सकते हैं, आप ये स्लाइड देखिए कि हम मैंने ये डेटा आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 2000 और 2001 में जो हमारे स्कूल फंडिंग फैक्ट हैं ये हमने जो तीन चीज़ें इसमें डिस्कस की है जिसमें पहला आता है कि वेदर इट इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ सेल्फ फाइनेंस. सेकंड जो इसमें आता है कि कुछ ग्रांट होती है जो स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए होती है और कुछ ग्रांट जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल और प्रोजेक्ट के लिए होती है. ये स्लाइड वापस मैंने रिपीट इसलिए की है कि ये आप अच्छे से समझ सकें कि जब भी हम स्कूल बजट की बात करते हैं तो स्कूल बजट के नॉट बी फोकस ऑन वन एरिया, स्कूल बजट हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज़. इसके बाद वाली जो स्लाइड थी जिसका हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि हमारा क्या पर्पस है बजट बनाने का, तो इसका हम फिर से एक बार कंक्लूजन करते हैं कि बजट बनाने का पहला पर्पस यही है कि हम जो फंड है हमारा उसे बहुत इकोनॉमिकली और बहुत वाइसली खर्च कर सकें. बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू सेव द मनी, बजट बनाने का ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू यू नो जस्ट मिनिमाइज अवर एक्सपेंडिचर. बजट बनाने का ये मतलब है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारी है, वॉट एवर रिक्वायरमेंट वी हैव राइट नाउ, कैन बी वाइसली एंड इकोनॉमिकली सेंट्रलाइज एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्पेंड दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल. व्हेनेवर वी रीड अबाउट एजुकेशन, जब भी हम एजुकेशन विषय पर चर्चा करते हैं तो हमने ये देखा है कि एजुकेशन विषय पर स्कूल या कॉलेज से संबंधित हमारी पहली जो क्वारी आती है वो किस चीज़ के ऊपर होती है. मेरा अनुभव है कि मैंने देखा है कि कई ऐसे उदाहरण हैं कि जितने स्कूल्स जो कि बजट के थ्रू चलते हैं और जितने इंस्टीट्यूशन जो वेल प्लान्ड हैं बजट के थ्रू, उनकी हमने जो ग्रोथ रेट देखी है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू द अदर दोज हु आर नॉट सीरियसली फॉलोइंग द बजट. वाई हमने देखा है कि वो हाई है, क्योंकि दे आर वेरी मच प्लान्ड. उन्हें मालूम है कि हमारा एक्सपेंडिचर, हमने अगर 2000 में इतना किया तो 2005 में हमें इतना करना है, 2010 में हम इतना कर सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने फंड को जो हमारे पास है, जो हमारा पैसा है, उसे कितने वाइसली हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए या हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़फुल हो. एक स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बजट प्लानिंग के लिए अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो कई तरीके के स्कूल के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि सैलरी शेड्यूल्स, बेनिफिट एवरी ईयर, द इंक्रीमेंट गिवन टू द एम्प्लॉयज़,
and every year new recruitment, every year according to the expenditure, according to the badhti hui mehngai ke hisab se hame जो हमारे employees हैं या हमारे जो भी administration के अंदर जितने हमारे पास हमारे अंदर जो काम करते हैं लोग, किस तरीके से हम उन्हें satisfy कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि budget planning के अंदर हमारे पास ये पूरा data होता है जो आपके screen पर आप पढ़ सकते हैं कि salary schedules, benefits etc, statistical summary of data, enrollment, staffing, average daily attendance, then pupil teacher ratio, selecting of HS courses, state and provisions, insurance, transportation need and retirement and social security needs. That means ki any school who has to, you know, plan karna hai, wo kahan se karna hai, we can say A se leke Z tak ki hame planning karni hai. That means we have started from the salary and we have to think for the security of our employee. So everything need what? Everything need fund, everything need money, everything needs what? A complete planning, and this complete planning can be done only through the budget. आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि आपको ये सेशन से काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमें बजट की रिक्वायरमेंट क्या है, हर स्कूल में स्कूल बजट का क्या वैल्यू है, स्कूल बजट के थ्रू हम कितना किस हद तक बहुत सक्सेसफुली स्कूल को रन कर सकते हैं, और एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ. SANDHAN, All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.